सचखंड विखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखजीत मान। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के मामले लंबे समय तो मामला अदालत दे विच कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है। अज भी फरीदकोट की मानयोग अदालत विच इस संबंधी सुनवाई हुई है। सुनवाई दौरान की कुछ होया उस संबंधी जानकारी देने लिए साडे नाल मौजूद ने डेरा सच्चा सौदा तो गुरु जी के एडवोकेट हरीश छाबड़ा जी, उन्हां नाल गलबात करदे हां। छाबड़ा जी स्वागत है तुहाडा सर। नमस्कार। अज की सुनवाई दौरान की जिहड़ा सामने अज की तारीख सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स लई निर्धारित सी, जिंदे विच प्रोसीक्यूशन ने चलान पेश करने चलान की कॉपी सप्लाई करनी सी। चलान ऑलरेडी पेश हो चुका सी, पिछली बार उन्होंने कॉपीज कंप्लीट नहीं सी। अज भी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिते वो कंप्लीट नहीं सी। जो असी कोर्ट नू रिक्वेस्ट की है कि इन असी डिटेल चैक करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट ने जिन्होंने चैक करके प्रोपर लिस्ट कोर्ट नू अगली डेट से सबमिट करांगे। और आईओ हरबंस सिंह सिट मैंबर ने उन्होंने भी स्टेटमेंट कोर्ट में दी है कि जो भी डॉक्यूमेंट कट होंगे वो सानू अगली डेट पर प्रोवाइड करवा के देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे फिर उन्होंने एनालाइज करके अगे की प्रोसीडिंग चलेगी। छाबड़ा जी, तुसी लंबे समय तो इस केस की जी पैरवाई दे विच है, क्यों तुहानू की लगता है भी केस कित्थे स्टैंड करता है? हुण तक की सुनवाई दौरान की कुछ सामने आया है? क्योंकि बड़े लोगों की जिथे भी देश विदेश लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी प्रति जिन्ना लोगों की श्रद्धा हैगी है उन्होंने सब की इको उड़ीक है कि इसका फैसला होना चाहिए। जो भी बेअदबी के मामले न संबंधित दोषी है वो सामने आने चाहिए। केस कितने स्टैंड कर रहे हैं? देखो, इस केस की जिनी भी एविडेंस या सीकुएंस ऑफ इवेंट्स पुलिस लैके आई है उन्होंने लिए बड़ा क्लीयर है कि इन्हों का कोई रोल नहीं है और यह नो एविडेंस का केस है। और जो भी एविडेंस किसी होर भी तैयार की गई है वह फैब्रिकेटेड एविडेंस है। जो हाई कोर्ट्स भी चल रहे हैं इत्थे भी सुनवाई होएगी। और ये जो इन्होंने हवाई किला बनाया प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी ने वो ताश के पत्तियां तरह गिरेगा। जिवें जिवें केस अगे वधेगा सारे के सामने आएगा। अक्यूज का बार बार यही आंदा है। पिछे भी एक कॉन्फ्रेंस हुई सी, उस दे विच भी यही आया सी कि सही दोषियों नू पकड़िया जाए, ये इनोसेंट लोग ने। इन खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग आई है वो लीगल प्रोसीडिंग के तहत करके मान्य अदालत तो न्याय मिलेगा और ये सारे भरी आएंगे। छाबड़ा जी, इस केस के पहला CBI ने जांच करी सी, जिन्हें भी पहला मुलजम ये गिरफ्तार करी सी उन्होंने फिंगरप्रिंट भी ले, क्लीन चिट भी CBI ने दी सी। उस तो बाद पंजाब की एक वक्री सिट बनती है कि CBI की जी जांच से उन्होंने नकार ही दिता जां उन्होंने कोई मायने रखे? देखो, मान्योग हाईकोर्ट ने आपदे आदेश दे विच कहा सी कि जो CBI ने एविडेंस कलैक्ट की है वह भी कोर्ट पड़ेगी। कोर्ट पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नाल बननी नहीं हुई। मान्योग अदालत जो भी CBI ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की है, मैं इसे लिए कह रहा कि वही एविडेंस ये साबित करेंगी कि इनोसेंट लोग ने, इन्होंने कोई भी बेअदबी नहीं की जो रिकॉर्ड कह रहे हैं। की एजेंडा रहा है सरकारां दा रहा है की रहा है ये वो जानते ने, लेकिन एविडेंस के तौर पर एक निल केस है। भावें जिहड़ा एक वक्खरा मसला हैगा, तुसीं कानूनी नुक्ते नज़र तो देख रहे हो इस सारे मसले नूं, पर विधानसभा चोणां जिस तरह पंजाब च होईआं सी भी उस तो कुछ दिन पहले ही गुरु जी का जिहड़ा नाम जोड़ता वख वख तुहाडे कानूनी माहरां तों इलावा आम लोगों की भी प्रतिक्रिया आई सी भी ये कुछ सियासत तो प्रेरित है, उस तरह की भी तुसीं अदालत दे विच कोई अपना नुक्ता रखे? देखो, ये किस तो लुकया होया नहीं है कि एक आदमी दी पहले बयान लिखा जाता है वो बिल्कुल नहीं कहता कि गुरु जी का इस दे विच कोई रोल है। उस बंदे का दोबारा बयान लिखा जाता है वो बिल्कुल नहीं कहता कि गुरु जी का रोल है। उस तो बाद एक साल बाद इलेक्शन तो जस्ट पहले उनका बयान लिख लिता जाता है कि गुरु जी का अंदर रोल है। और वो भी वो ये कहता कि मैं सुनिया सी, ये एविडेंस नहीं है, जस्ट
ਪ੍ਰੈਪਗੰਡਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਪਗੰਡਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੇਅਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ? 30/5/2022 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਆਫ ਚਲਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 207 ਦੇ ਤਹਿਤ, CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਛਾਵੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ।